सांवे सपनों की याद इस कहानी के लेखक जाबिर हुसैन जी हैं उन्होंने इस कहानी में सालिम अली के एक प्रसिद्ध वर्ड वॉचर के बारे में बताया यानी पक्षी विज्ञानी के बारे में बताया वे कहते हैं कि पक्षियों के बारे में जानने का शौक रखने वाले को ही वर्ड वाचर कहते हैं सालिम अली का ज्ञान भारतीय पक्षियों के बारे में अद्भुत था इस कहानी में जाबिर हुसैन सालिम अली की सब यात्रा जो कि आखिरी यात्रा थी उसके बारे में बता रहे हैं सालिम अली प्रकृति में उसी तरह से मिलकर रहते थे जैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गीत गा करके अपने प्राण त्याग देता है फिर अनेक तमाम कोशिशों के बाद भी वह जिंदा नहीं हो सकता है ना ही उस मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना पसंद करेगा लेखक जाबिर हुसैन कहते हैं कि सालिम अली का कहना यह था कि लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि लोग पक्षी जंगल झरनों आदि प्रकृति के नज़रियों को ना देख करके आदमी की नज़र से उन्हें देखा करते हैं लेखक फिर से कहते हैं कि वृंदावन का नाम सुनकर श्री कृष्ण जी की याद खुद ब खुद आ जाती है ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम हमारी जुबान पर या दिमाग में अपने आप आ जाता है आज भी अगर हम वृंदावन जाते हैं तो यमुना नदी का जल उन्हें अपना पुराना इतिहास याद दिला देता है जब श्री कृष्ण ने यहाँ रास लीला की थी गोपियों से शरारत की थी दूध दही खाया था और मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी दिल की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी जो उन्होंने बजाई थी वहाँ पर सबसे प्यारी लगती थी उन्हें आज जिसे सुनकर के सारा वृंदावन झूम उठता था सारे वृंदावन में संगीत हो जाता था एक अद्भुत संगीत से वृंदावन गूंजने लगता था आज भी यमुना के उस काले पानी को देख करके वो सब याद आ जाता है कि किस प्रकार से वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला की होगी अपनी बांसुरी बजाई होगी। मानो अभी-अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कहीं से आ जाएंगे और सारे वातावरण में बांसुरी की तान बिखेर देंगे सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए हैं दोनों का नाम एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ गया है कि वृंदावन का नाम लेते ही हमें कृष्ण याद आ जाते हैं और कृष्ण का नाम लेते ही हमें वृंदावन याद आ जाते हैं लेखक फिर से बताते हैं कि सालिम अली एक दुबले पतले मरियल से व्यक्ति थे अब उनके जीवन में सौ साल पूरे होने में कुछ ही टाइम बाकी था परंतु बहुत अधिक यात्राओं के कारण उनका शरीर काफी थक गया था और कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया था परंतु सालिम अली अपने आखिरी सांस तक विभिन्न पक्षियों की तलाश में और उनकी देखरेख में लगे रहे उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी और तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी आगे लेखक यह कहते है हैं कि सालिम अली के वर्ड वॉचर बनने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है कहानी क्या है कहानी यह है कि बचपन में सालिम अली के मामा ने उपहार में उन्हें एक एयर गन दी थी वह बहुत खुश थे लेकिन एक दिन रोज की तरह खेलते खेलते उन्हें अपनी छत पर बैठी गोरैया दिख गई और उनके मन में शैतानी आ गई बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने एयरगन से उस गौरैया पर निशाना लगा दिया और निशाना चूका नहीं और गौरैया को जा करके लग गया जिससे वह घायल होकर के छत पर गिर पड़ी उसे घायल देख कर के सालि मलिक को बहुत पछतावा हुआ अब उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उस पक्षी को मार दिया है घायल कर दिया है और उन्होंने उसकी देखभाल करने का निर्णय लिया उस नीले पंखों वाले गुरैया ने सालिम अली के जीवन को ही बदल दिया उन्हें पक्षियों से बहुत प्यार होने लगा और वे वॉचर बन गए आगे जाबिर हुसैन यह भी कहते हैं कि इस घटना का वर्णन सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो में भी किया है लेखक यह दर्शाते हैं कि अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्थान के भयानक हवा जो कि धूल भरी थी उस से बचाने का निवेदन किया था सालिम अली के द्वारा बताए गए इन प्राकृतिक खतरों के बारे में जानकर के चौधरी साहब अत्यधिक भावुक होते थे और जाबिर हुसैन फिर से कहते हैं कि वे दोनों अब दुनिया से जा चुके हैं वह कौन है जो खतरनाक और बर्फ वाले स्थानों पर रहने वाले विभिन्न पक्षियों की रक्षा करेगा अंत में सालिम अली पक्षियों को खोजने के विभिन्न तरीके अपनाते रहे उनका प्रकृति अनुभव विशाल सागर के समान था वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे उसका दर्पण थे प्रकृति और सालिम अली दोनों एक दूसरे के पूरक थे लेकिन अब सालिम अली दुनिया में नहीं है और उनको जानने वाले सभी पक्षी प्रेमी और अन्य लोग भी यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं बल्कि पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और वहां से जल्दी ही लौट करके आ जाएंगे वे सभी लोग तो आज भी यही चाहते हैं कि सालिम अली उन सबके बीच में वापस आ जाए और अपने पूर्व की तरह पक्षियों की देखभाल करें पूर्व की तरह ही पक्षियों की तलाश में निकल जाएं।